हेलो दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स इकाई 5 टेंथ क्लास यानी मैट्रिकुलेशन के सभी लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, जिसमें आपके एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा सही विकल्प चुनें। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या फिर नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा ऑप्शन घ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पंद्रहवीं लोकसभा चुनाव से पूर्ण लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी 10%, 15%, 33% या 50%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 10%। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 3, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह कथन किसने दिया था। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है आपका अरस्तु, अब्राहम लिंकन, रूसो और ग्रीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ख, अब्राहम लिंकन ने यह कथन दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में मतदाता की संख्या लगभग कितनी है, 90 करोड़ है, 71 करोड़ है, या 75 करोड़ या 95 करोड़। तो इस प्रश्न का जवाब हमारा हो जाएगा 71 करोड़, यानी ऑप्शन ख इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है हमारा, क्षेत्रवाद का भावना का एक कुपरिणाम क्या है, अपने क्षेत्र में से लगाव, राष्ट्रहित या राष्ट्रीय एकता या अलगाववाद। तो यह कुप्रभाव है और ये सब मतलब जो है परिणाम है, और ये सब कुप्रभाव यानी इसके अलगाववाद से क्षेत्रवाद का भावना नहीं होती है, इसका यह हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है, 2 नवनिर्मित स्थानों की पूर्ति करें। इसमें दिया है भारतीय लोकतंत्र -- लोकतंत्र है, तो एकात्मक नहीं है, लोकतंत्र जो है प्रतिनिधात्मक है यानी प्रतिनिधि के अनुसार है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है न्यायपालिका में -- की निष्ठा होनी चाहिए, तो सत्य की निष्ठा होना चाहिए, यानी सत्य की निष्ठा होगी तो न्यायपालिका सही ढंग से कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में महिलाओं को -- के प्रति देने की मांग की गई थी। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 33%, 15%, तो ये हमारा 33% हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली -- है, तो पहले तो राजतंत्र था, अभी क्या है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्रात्मक है, लोकतंत्रात्मक हो जाएगा। अगला है, 15वीं लोकसभा चुनाव में UPA द्वारा -- सीटों पर विजय किया गया था, तो 265 इस ऑप्शन में ये हो जाएगा हमारा 265। और इसके बाद देखते हैं हमारा प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरीफाई द शॉर्ट आंसर। लोकतंत्र का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है कैसे, इसको मतलब बताना है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसके शासन की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित रहती है। दूसरे शब्दों में लोकतंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जहां जनता शासन कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। शासन जनता की इच्छाओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप संचालित होता है, अतः लोकतंत्र जनता द्वारा संचालित होता है। आप लोग यहाँ थोड़ा सा डबल लाइन हो गया है, ठीक है, तो इसको मार्कआउट कर दीजिएगा। अतः लोकतंत्र जो होता है जनता द्वारा संचालित होता है एवं जनता के लिए शासन होता है। तो जो लोकतंत्र होता है, तो लोकतंत्र मिस होता है लोग मिस जनता, जनता का तंत्र यानी शासन, यानी जनता का शासन ही होता है लोकतंत्र का
जरिया, यानी लोकतंत्र में जनता द्वारा ही शासन किया जाता है, तो वहीं इसका अर्थ हुआ कि जनता द्वारा संचालित की गई शासन व्यवस्था को लोकतंत्र या जनतंत्र कहते हैं। तो ये प्रश्न हो गया हमारा। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ दिया है, देखिए, केंद्र और राज्य के बीच आपसी टकराव से लोकतंत्र कैसे प्रभावित होता है, यानी केंद्र और राज्य के बीच अगर आपसी टकराव होता है तो कैसे वह प्रभावित होता है लोकतंत्र, यानी कैसे प्रभावित होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा है, केंद्र और राज्यों के बीच आपसी टकराव से आतंकवाद से लड़ने और जन कल्याणकारी योजनाओं, जैसे जन कल्याण यानी जनता के हित के लिए जो योजना होती हैं कौन कौन, तो शिक्षा, जाति भेदभाव, लिंग भेदभाव और नारी शोषण, बाल मजदूर एवं सामाजिक कुरीतियाँ इत्यादि के सुचारू क्रियान्वयन में बाधा पहुँचती है। जबकि कोई भी अपेक्षित लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर सामंजस्य और तालमेल आवश्यक है। अगर दोनों के बीच तालमेल नहीं रहे तो आप लोग को पता है किसी भी प्रकार की कोई भी विकास का कार्य नहीं होगा, और जो भी विकास का कार्य होगा वो बाधित हो जाएगा, यानी ठप पड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हमारा परिवारवाद, यानी परिवारवाद क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो परिवारवाद क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है, परिवारवाद ऐसी मानसिकता है, यानी परिवारवाद जो है ऐसी मानसिकता है जिससे राजनीतिक भी प्रभावित हुई है। इसके अंतर्गत राजनीतिक दल के सुप्रीमो या अध्यक्ष चुनाव में अपने ही परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य को टिकट देते हैं, अतः परिवारवाद राजनीति का काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। यानी परिवारवाद ऐसी, मतलब कहा जाए कि समाज की ऐसी मतलब मानसिकता है जिसमें एक ही परिवार के कई सदस्य सभी पदों पर देखेंगे तो एक ही परिवार से संबंधित व्यक्ति कार्य में लगे रहते हैं, और या चुनाव से संबंधित जो भी पद खाली होगा उसी परिवार के सदस्य उस चुनाव की मतलब अपनी सदस्य को टिकट दे देते हैं जिससे वह उस पर शासन करती हैं, ठीक है। तो इसी को परिवारवाद कहते हैं, यानी परिवारवाद में परिवार की चाहत, यानी परिवार को उस क्षेत्र में चाहत, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में है तो राजनीतिक क्षेत्र में अपना ही परिवार का रहेगा, यही चाहत परिवारवाद कहलाती है। वाद मिस परिवार के से संबंधित जो भी चाहत है। उसके बाद चार नंबर प्रश्न है, आर्थिक अपराध का अर्थ स्पष्ट करें। आर्थिक अपराध किसे कहते हैं, यानी आर्थिक अपराध का मतलब होता है विदेशी मुद्रा का अवैध आवागमन, यानी आगमन, या विदेशी बैंकों में भारतीय द्वारा जमा की गई बड़ी धनराशि आर्थिक अपराध का कारण है। यानी जो भी हमारी भारतीय मुद्रा और विदेशी मतलब देशों में ये मुद्रा का एकत्रीकरण यानी रोक करके रखना उसी को कहते हैं हम लोग, और जो भी आवागमन अवैध रूप से की जाती हैं उसको हम आर्थिक अपराध कहते हैं, यानी हमारी आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली अपराध। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। पाँच नंबर प्रश्न है हमारा, सूचना का अधिकार कानून द्वारा लोगों को जानकार बनाने, यानी सूचना का कानून अधिकार जो होता है लोगों को जानकारी प्राप्त करवाने के लिए, यानी जानकार बनाने और सरकार के कामकाज एवं उनकी नीति जानने का अधिकार जनता को दिया गया है। ऐसी कानून भ्रष्टाचार पर रोक लगाता है, और सूचना का अधिकार होने से लोग सरकार की प्रत्येक नीति एवं कार्य के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, अतः सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला माना जाता है। इन्हीं कारणों से सूचना का अधिकार को कानून का रखवाला माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या, ये है हमारा लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट प्रश्न आंसर है, जिसमें हमारा पहला, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, यानी लोकतंत्र यानी जनता के शासन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। चलिए, लोकतंत्र का मतलब हो गया लोक मिस जनता और तंत्र मिस शासन, तो उससे हम क्या समझते हैं चलिए देखते हैं। तो लोकतंत्र या प्रजातंत्र आंग्ल भाषा के डेमोक्रेसिक शब्द, यानी डेमोक्रेसी आंग्ल भाषा की डेमोक्रेसी शब्द
शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी डेमोक्रेसिक शब्द का हिंदी रूपांतरण हमारा लोकतंत्र या प्रजातंत्र है। डेमोक्रेसी शब्द दो यूनानी शब्दों के योग से बना है, यानी डेमोस और क्रेसिया, जिसका अर्थ होता है जनता और शासन। इस प्रकार व्यक्ति की दृष्टि से लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन होता है, ठीक है। अतः लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो लोकतंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जहां जनता द्वारा शासन कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती हैं। जनता ही कार्य के शासन प्रणाली में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती हैं, या फिर शासन जनता की इच्छाओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप संचालित होता है। यानी शासन जो भी होता है जनता के इच्छा और आकांक्षा के अनुसार ही होता है, यानी जनता जैसे चाहे वैसे शासन करवा सकती हैं, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है, यानी गठबंधन की राजनीति होती है, गठबंधन की सरकार जो होती है वो लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है। तो पूर्ण बहुमत नहीं आने पर सरकार बनाने के लिए छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों को आपस में गठबंधन करना पड़ता है, यानी छोटी छोटी जो पार्टियाँ जिस जो चुनाव में भाग लेती हैं उसको गठबंधन यानी आपस में जुड़ मिलजुल करके सरकार बनानी होती है। ऐसी उम्मीदवारों को भी चुन लिया जाना दो दागी प्रवृत्ति या आपराधिक पृष्ठभूमि के होते हैं। लोकतंत्र के लिए एक अगली ही चुनौती है गठबंधन करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे प्रशासन की पकड़ यानी प्रशासन पर सरकार की पकड़ ढीली हो जाती है, ठीक है। गठबंधन में राजनीतियाँ यानी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि सरकार के कार्यक्रमों एवं कार्यों एवं नीतियों में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे सरकार को कल्याणकारी कामों में मुश्किल आती है, जिससे काम काज सुचारू रूप से चलाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लोकतांत्रिक तरीके से काम काज नहीं हो पाते हैं और गठबंधन की राजनीतिक लोकतंत्र को प्रभावित करती है, ठीक है। ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। अगर गठबंधन की सरकार रहे तो क्या होता है कि सरकार तो एक पार्टी के हाथ में नहीं होती है, जिसके वजह से कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 3, नेपाल की किस तरह से शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र की शासन में वहाँ क्या क्या बाधाएँ हैं। चलिए देखते हैं नेपाल में कैसी शासन व्यवस्था है। तो नेपाल में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, अभी फिलहाल नेपाल में राजतंत्र के बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का स्थापना किया गया है। प्रयोग सफलता एवं असफलता के बीच फंस गई हैं, यानी जो प्रयोग है यानी जो इन लोग का उपाय किया गया हुआ सफलता और असफलता के बीच फंस गई है। लोकतंत्र की स्थापना में वहाँ सख्त राजनीति का अभाव और योग्य और कर्मठ राष्ट्रीय नेता का अभाव है एवं राज्यशाही के प्रति जनता की अस्थाई भक्ति इत्यादि बाधाएं लोकतंत्र की बहाली के मुद्दे हैं। यानी जो भी राज्यशाही के प्रति जनता का जो भी अस्थाई भक्ति है उनके प्रति जो इच्छा और आशाएँ हैं वह बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से लोकतंत्र की बहाली के मुख्य मुद्दे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 4, जिसमें हमारा कह रहा है प्रश्न कि क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। तो चलिए देखते हैं, ऐसे तो जाहिर सी बात है शिक्षा का अगर जहां अभाव रहेगा तो लोकतंत्र वहां प्रभावित होगा। अशिक्षा दुर्गुणों की जननी है, यानी अशिक्षा जो होता है दुर्व्यवहार यानी दुर्गुण यानी जिसमें बुरी संगति हो उसका जननी माना जाता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षित नागरिक का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर लोकतंत्र चाहिए तो उसके लिए शिक्षित नागरिक होना जरूरी है। शिक्षित नागरिक ही अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में सही जानकारी रख सकते हैं और उनका सही उपयोग कर सकते हैं। लोकतंत्र का सफल परिचालन विभिन्न कार्य
क्षेत्रों में नागरिक के सक्रिय सहभागिता पर निर्भर करती हैं। यह सहभागिता तभी प्रभावी हो सकती है जब नागरिक शिक्षित हों, उनमें उचित और अनुचित का विभेद कर सकने की विवेक हो, यानी क्या उचित है क्या अनुचित है उसको समझने का बुद्धि हो, उन्हें अपने अधिकार और दायित्व का ज्ञान हो, और अपने अधिकार और दायित्व मैंने हमारा क्या कर्तव्य बनता है उसका ज्ञान हो। यह विवेक शिक्षा और ज्ञान के बिना संभव नहीं है। अशिक्षित व्यक्ति और पशु में कोई अधिक अंतर नहीं होता है, वह अच्छे और बुरे का सही जो मतलब अच्छे और बुरे का परख यानी पहचान नहीं कर पाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। और नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है हमारा, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। तो किसी अस्थाई व्यक्ति का विनाश कर अव्यवस्था तथा आतंक फैलाना आतंकवाद है, यानी किसी भी व्यक्ति की मतलब व्यवस्था को जो मतलब व्यवस्था बनाई गई है उसको हटा करके और आतंक फैलाना मतलब किसी पे मतलब अपना ज़बरदस्ती डर फैलाना या मतलब उसे लूटपाट करना आतंकवाद का कारण है। आतंकवाद के जन्म के मूल कारणों में धार्मिक कट्टरता और आर्थिक विषमता होती हैं। हिंसा किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती है, ठीक है। लोकतंत्र में हिंसा या आतंक होने से राजनीतिक स्थिरता और असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे लोकतांत्रिक कामकाज पर बुरा प्रभाव पड़ता। अतः आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती होता जा रहा है। इन्हीं कारणों के वजह से लोकतंत्र एक मतलब लोकतंत्र के मतलब जो आतंकवाद होता है लोकतंत्र के लिए चुनौती का कारण बनते जा रहा है। और इसी प्रश्न के साथ आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, और ताकि हमें और मोटिवेशन भी मिले और आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।